मैडम के समर्थन में आए हैं, आखिर क्यों पूरा परिचय दे? मेरा नाम बंटी सिंह है, मर्द के यहाँ पैदा लिया हूँ, मर्दों के साथ रहना पसंद करता हूँ जीवन की आखिरी सांस तक। हेना जी, जितने यहाँ कैंडिडेट हैं, अभी हमने एक महीना विचार किया और जितने कैंडिडेट हैं सिवान में, सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं और इनके साथ सभी लोग हैं, इवन मेरे साथ रहने वाले 100% लोग हैं, इसलिए सबको छोड़कर मैं अकेले नहीं रह सकता। कौन सा लम्हा था कि आपने साथ फैसला किया कि मेरे साथ साथ आए? कौन सा लम्हा था? कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का आप साथ है, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात। जेडीयू से आपका नाता है, जेडीयू के आप मेंबर भी हैं। देखिए, एक मर्द मुजाहिद शख्स पैदा लिया सिवान में, जिसका नाम था शहाबुद्दीन, और वो एक दल के साथ रहे, उस दल के साथ रहे, सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद, 16 साल के बाद जेल से निकलने के बाद, उस आदमी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल में था और मरने के दिन तक राष्ट्रीय जनता दल में रहूँगा। और दुर्भाग्य से एक ऐसा समय आ गया कि वैसे मर्द मुजाहिद व्यक्तित्व को मरने की नौबत आई। उनकी बेगम यहाँ बैठी हुई हैं, मैडम हेना साहब जी सिवान की शेरनी हैं, और उनके बेटे, कल मेरी मुलाकात हुई थी, आज इनसे मेरी दूसरी मुलाकात है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लुक छिप पर न रहने वाला हूँ, न मिलने वाला हूँ। उनसे भी कल मेरी मुलाकात हुई थी, और माँ बेटे जिस दल में मरने के दिन तक शहाबुद्दीन साहब ने पसंद किया रहना, माँ बेटे दर दर तक घूमते रहे, एक आवाज तक नहीं उस दल ने उठाया। और मैं जिस दल में हूँ या था, मुझे उसका कोई गम नहीं है। उसमें भी एक सिवान का पराक्रमी शख्स अजय सिंह के साथ मैं रहा हूँ, और मरने के दिन तक इस दिल में अजय सिंह रहेंगे। उनके दल ने भी उनकी पत्नी को ऐसे समय में साथ छोड़ा, जिस दल को समर्थन देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कविता सिंह ने बनाया था, उन्होंने जगमातो देवी को विधायक नहीं बनाया था, जगमातो देवी ने वो सरकार बनाई थी। उनका दल भी उनको धोखा दिया, इनका दल भी उनको धोखा दिया, तो सभी दलों में दल दल देख कर मैं निर्दल के साथ हूँ और दिल के साथ। सब रंग एक हो गया है, सब रंग एक है, बैकवर्ड मिले, फॉरवर्ड मिले, मिले मुसलमान, हेना जी को जिताइए, संवारेंगे सिवान, सजाएंगे सिवान, बढ़ाएंगे सिवान, विकास करेंगे। मैं अपने दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, भतीजा, भतीजी, चाचा, सखी, सलहरियों सबको संदेश देना चाहता हूँ। एक महिला 15 साल से इस सिवान में मजदूरी कर रही है। मैं नहीं था तो नहीं था, था हूँ तो हूँ, और 15 साल की मजदूरी का परिणाम आपको देना है, एक बार आपको साथ देना है, सिर्फ एक बार का। मैं और एक और चीज जान लीजिए, किसी भी तरह की बात हो रही है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जिला है, पढ़े लिखे विद्वानों का जिला माना जाता है, दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों सिवान के साथ जुड़ा है, राजेंद्र बाबू के नाम से सिवान को जाना जाता है। और आज राजेंद्र बाबू के नाम से जानने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो कायस्थ परिवार में जन्म लिए, मेरे घर के बगल में 1 किलोमीटर जन्म लिए, इसलिए कि राजेंद्र बाबू विद्वान, और विद्वानों का सिवान आज एक आपके यहाँ कैंडिडेट, दलों की बात आप कर रहे हैं, एक ऐसी महिला को दे दी गई है। बगल में चेयरमैन लीलावती गिरी जी बैठी, महिला राजनीति में होती है तो उसको कितने सजग रहने की जरूरत है, इनसे अधिक कोई नहीं जानता। पुरुषों से अधिक सजग रहना चाहता, रहना पड़ता हर वक्त, रुकिए। और यहाँ दलों ने जो कैंडिडेट दिया है, वो एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जिसके साथ मुझे भेजने को मजबूर किया जा रहा था। राजेंद्र बाबू का नाम रखकर आप, हम और हमारे बच्चे, आने वाली कई नस्लें और पीढ़ियां, और पहले वाली पीढ़ियां गर्व करती थी, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी। और आप एक कैंडिडेट आई है समुद्र मंथन के बाद विष बनकर, ललकी चाची, ललका चाचा की पत्नी, अब वो का कहता रही तो यहू जो कहते लोग हंसा ही लगा, हम उनका के सुने के बड़ी प्रयास करनी हो, उनका साथे हम खड़ा रहे कि ना, अब का हम कहीं, हमरा तो कहूँ मैं उतना भाषा हमरा नहीं थे मालूम, लोगवा कहता, सुनिए, पहले आप सुनिए। हमने यहाँ की वर्तमान सांसद जब यहाँ संसद में चिघाड़ती थी, दहाड़ती थी, हर सत्र में बोलने का सौभाग्य मिला, हम वीडियो डालते थे, लोग वाह वाह करते थे। आज की अगर सांसद गलती से आपकी गलती से अगर चली गई, तो जब वीडियो पड़ेगा तो लोग कहेंगे कि राजेंद्र बाबू के सिवान को क्या हो गया,
लोग पूछेंगे कि पढ़ा लिखा श्रीमान कहाँ पहुंच गया है, और सब हंसेंगे, हे राम कह लिखना पड़ेगा आपको, आ आ करना पड़ेगा, ओ ओ करना पड़ेगा। हम वो करने वाले नहीं, हम एमए हैं, एमबीए हैं, मेरे दादाजी बीएचयू से पढ़कर मास्टर रहे, हेडमास्टर रहे, मेरे पिताजी मास्टर रहे, हमारा जमीर अलाउ नहीं किया कि ऐसी महिला को हमको कहना पड़ेगा ना मंच पर चढ़ के सुजोग्य शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार के पक्ष में। सेकेंड में उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है, और जहां वो खड़ा होता रही पिछवा एक जरी काकी लाग जाते रही, हमरो काकी जल्दी से घबरास मत, सेकेंड से अधिक बढ़ोस मत, कुछ बोल मत दे सही सर कि सिवान भर के लोग हंसे लागे। दुर्भाग्य से अभी सिवान भर के लोग हंसता, अगर रउआ लोग गलती कर दे देश भर के लोग सिवान पर। टिकट कटने से आप नाराज है? बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज है, वो नाराज हो या नहीं हो मैं नाराज हूँ। मंत्री जी कल से आप पर आरोप लगाया आप भी नकली ठगोदारी है। आप मुझे जानते हैं, पांच सालों से देख रहे होंगे या दस सालों से देख रहे होंगे, ये उतार कर मैं यहाँ भी नहीं आया हूँ, ये लगा कर मैं वहाँ, सुनिए मेरी गाड़ी पर अभी भी झंडा लगा हुआ है, वो झंडा मैं उतार कर एक दिन महाठगबंधन में भी मैं था डेढ़ साल तक, उस दिन भी मैंने अपना झंडा ना गाड़ी का और ना गले का उतारा नहीं है, कुछ भी इस पर नया नहीं चढ़ा है। ये सिवान में नकली भगवाधारी कौन है मैं मंच से आपको बताऊंगा, अभी भी बता दे रहा हूँ। एक आई है जोगी जी की बहन ललकी चाची, उनको बताना चाहिए कि वहाँ राम मंदिर बना है, उसमें उनका क्या योगदान है। मैंने खुद चंदा किया है, मेरे परिवार ने चंदा दिया है, सांसद कविता सिंह ने चंदा दिया है। ये छठ घाट तोड़ने वाले गोबर जिंदा है, लोग जो वोट मांग रहे हैं मैं छिपा कर नहीं बोलता, और गोबर को मेरे सामने जेपी चौक पर वो दुकान भी है, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं रखना चाहता, जो लोग वोट मांग रहे हैं राम मंदिर और भगवा के नाम पर, वो लोग गोबर को मलमूत्र कहते थे, और कहते थे कि जिस घर में मलमूत्र की पूजा होती है उसमें क्या रहना। जीवन भर का एक फोटो दिखाइए, एक साक्ष्य दिखाइए जो असली अपने को भगवाधारी कह रहे हैं, वो कभी किसी मंदिर में गए हो, कहीं भगवा पढ़ा हो, वो तो धन्यवाद कहिए मैडम हेना साहब का, इन्होंने कम से कम पूजा करा दिया, भगवा झंडा दिला दिया, यहाँ साहब दीन साहब रहे 30 साल तक इस सिवान की शख्सियत बन के, कहीं मंदिर नहीं तोड़ा गया, दिल नहीं तोड़ा गया। और ये वो लोग हैं जो भगवाधारी कह रहे हैं, नकली और असली तब होता जब हम बदलते। आप बताइए 20 दिन पहले, एक महीना पहले टिकट अनाउंस होने के बाद भी जो लोग असली भगवाधारी है, क्या उनके गले पर भगवा था? मेरे पर था और मरने के दिन तक रहे। बिल्कुल है, वो हमारे दिल में है, मरने के दिन तक रहेंगे। और कुछ अजय सिंह हमारे दिल में है, और ब्यास सिंह, कर्णजीत सिंह जो अभी बने हैं बड़का खेवनहार राजपूतों के धरोधर के विधायक, वो हमारे दिमाग में है, सबका जवाब समय पर 4 दिन में दे। संजय सिंह भी जो राजपूत के बहुत बड़े चेहरे हैं, वो भी संजय सिंह हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के हैं, और हमारे बगल के पंचायत के मुखिया हैं। मैं उनके साथ नहीं था तो नहीं था, और आज से मैडम है मेरे साथ आएंगे। अरे सुनिए, हम बता रहे, हमको दिल्ली तक का पूछिएगा, तो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं आनंद मोहन के, मैं उनका सिपाही हूँ, हमारे गुरु आनंद मोहन है, हम छिपा कर रहने वाले नहीं है, हमने गुरु बनाया है सहरसा जाकर, सबको पता है यहाँ जितने लोग हैं। आनंद मोहन के 15-16 साल जेल में रहने के दौरान कुछ नकली महाराणा प्रताप बन गए थे जो सिवान में आए थे, और ये नीतीश जी के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते थे। आपको पता होना चाहिए महाराणा प्रताप बनने वाला 8 राजपूत लड़ रहे हैं इस प्रदेश में, वो कहाँ गए थे? वो उसके यहाँ वोट मांगने आए थे, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, हेलीकॉप्टर से जमीन पर उसी दिन आ गए जिस दिन आनंद मोहन जैसा शेर बिहार के जेल से कैद से आजाद हुआ, और वो गाड़ी से घूम कर उसका वोट मांग रहे हैं जिसने 100 राजपूतों का घर बेवा बनाया है, 100 ब्राह्मणों के घर बेवा बनाया है, 1000 लोग होंगे यहाँ दलित बस्ती के लोगों से पूछिए जिस घर में बेवा नहीं बना वहाँ मुकदमा लदवाया है, और मेरे जिले का कोई ऐसा गांव नहीं है, मेरा स्कूल छूटा है 2 महीने के लिए, मेरी सड़कें बंद हुई है 10 साल तक, कोई गांव नहीं है जहाँ के दलित वर्ग के 10-20 परिवार मुकदमों में नहीं है, कोई मुकदमों में वाले लोग कह रहे हैं कि जो अभी भगवा पहन के उड़ रहे हैं वो 12 मास पहन के घूमेंगे, 12 मास नहीं सोने के समय तक रहने वाला साथ है। और उसके बाद सुनिए, बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिस कैंडिडेट का वो लोग जिंदाबाद कर रहे हैं उस कैंडिडेट का चुनावी अभिकर्ता मऊ जिले से आया है। पूरे भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोगों की कमी हुई थी,
कम पढ़े लिखे व्यास सिंह थे, ज्यादा पढ़े लिखे मंगल पांडे थे, सर्टिफिकेट वाले संजय बाबा थे, किसी को माना था मऊ का आदमी उनका इलेक्शन एजेंट है, वो बीजेपी क्या सीवान में सवाल। मैं वोट मांग रहा हूँ, वो अपनी निष्ठा से अपने निष्ठा के साथ है।